साथ में कोलावरी दी के बाद धनुष की ये हिंदी सिंगिंग। रंजना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। वेल यस, कुछ इसी तरह अपनी फिल्म का टाइटल ट्रैक गाकर धनुष ने दिखाई रंजना से डेवलप हुई अपनी हिंदी स्पीकिंग स्किल्स की एक झलक। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे फिल्म में देखने के लिए खुद धनुष भी है सुपर एक्साइटेड। I'm very excited to hear myself speak in Hindi. I'm dubbing for myself and it's very exciting. I find it weird though to look at myself speaking in another language and sometimes I don't understand what I'm saying myself. Not bad. और अपनी इस डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट धनुष ने सोनम कपूर को दे दिया जो इस प्रेस मीट पर भी धनुष की ट्रांसलेटर बनी हुई थी। She's a sweetheart. It was really, really comfortable being patient when I speak Hindi wrong. It's very easy to laugh on the sets when I say something wrong or something funny. If she had laughed, I would have lost all my confidence. But she was really patient. हालांकि इस प्रेस मीट पर मीडिया के इस कॉम्प्लीमेंट को समझकर धनुष ने अपनी गुरु माता यानी कि सोनम को दे दिया एक बड़ा सरप्राइज। धनुष, फिल्म में आपने एक बनारसी लड़की का रोल किया और हमेशा देखा जाता है कि तो साउथ इंडियन एक्टर जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्सेंट होता है फिल्म में रह जाता है। इसके लिए हमने जैसे प्रोमो देखा ऐसा नहीं लगता, कितनी प्रिपरेशन और हार्डवर्किंग करना पड़ा उसके लिए एज ए बनारसी बॉय। First of all, thank you so much. It's really encouraging what you just said. Anil Hindi understood everything, by the way. So, thank you so much. I feel it really, really encourages me. I feel really happy when you said that. Looks like the two share quite a friendly chemistry in their real life as well. It's very, very difficult to impress Zoya. Yes, it's very easy to impress Sonam. Anyway, talking about her look of a school girl in the film, Sonam aa gayi apne usual bindaas andaaz mein aur share ki kuch aisi fun details. Main kabhi ek short skirt nahi pehen paayi thi school mein. To zyada ladke mere peeche bhagte nahi the aur agar bhagte bhi the to mujhe pata nahi chalta tha because I had two brothers in the same grade as me. अर्जुन मेरे साथ था स्कूल में। मेरी 10th पास हो गई तो उसके बाद वो स्कर्ट्स आ गए थे स्कूल में। तो ये सारा भड़ास जो है मैंने इस फिल्म में निकाला है कि हम शॉर्ट कपड़े पहन रहे एटीट्यूड दे रहे लड़कों। वैसे सोनम जब ये सारी बातें कह रही थी तो धनुष के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। एंड फाइनली बिकॉज ये दोनों आए थे एट अ रेडियो स्टेशन टू प्रमोट देयर फिल्म, इन्होंने अपनी फिल्म का फेवरेट सॉन्ग बताया ये तुम तक इज आउट। वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड अबाउट द रिस्पांस। आई लाइक तुम तक।